यूनिवर्सिटी से खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ अध्यक्ष है उनके पदभार ग्रहण का पूरा कार्यक्रम है। रक्तदान शिविर वहां पर आपको बता दें कि आयोजित किया जा रहा है। सतपाल मलिक भी यहां पर पहुंच रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का पदभार ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम है। ये तस्वीर हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक भी पहुंचे हैं। विधायक मुकेश बाकर के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ललित हमारे सहयोगी भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। ललित, कितना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, क्या तस्वीरें जरा बताएं। माननीय मलिक साहब आगमन, मलिक साहब की उपस्थिति इस कार्यक्रम की और पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही विधायक मुकेश भाकर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मुकेश भाकर और निर्मल चौधरी ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बैठकर यहाँ पर आए हैं सतपाल मलिक की यहाँ पर अगुवाई की गई है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ छात्र नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्मल चोपड़ा है जो यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही जो तमाम लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो अभी पदभार ग्रहण कार्यक्रम है वो थोड़ी देर में होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज मुकेश बाकर का जन्मदिन है। मुकेश बाकर के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा तरुणाई है उसके द्वारा रक्तदान किया गया है और यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सब यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और थोड़ी देर में जो पदभार ग्रहण कार्यक्रम है वह भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। की तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा शक्ति यहाँ पर पहुंची है। आज बाहर के मौके पर जो छात्र संघ यहाँ पर करवा दिया। आप देख सकते हैं कि मंच पर जो सतपाल मलिक हैं, पूर्व राज्यपाल हैं, वे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दीप प्रज्वलन यहाँ पर किया जा रहा है और मुकेश भाकर निर्मल यहाँ पर मौजूद हैं, अनिल चोपड़ा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर में यहाँ पर जो पदभार ग्रहण कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ललित, इन तमाम अहम जानकारियों के लिए। तो ललित हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर जो आरयू में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।